नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लगातार डिमांड के कारण और लगातार बहुत सारे कमेंट आने के कारण मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वाटर पंप को बोरिंग से कनेक्ट करते हैं और छोटा वाला हैंड पंप लगाते हैं। इसको लेकर के आप लोगों का काफ़ी कमेंट था। तो ये देखिए, ये 3 इंच का सक्शन पाइप है और ये बोरिंग का पाइप है। 4 इंच का जो लोहा वाला पाइप नीचे ज़मीन में है वो 4 इंच का है, और उससे ये जो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिक का पाइप सक्शन पाइप है ये 3 इंच का है, और ऊपर में जो आप पतला सा पाइप देख रहे हैं उसी में चापाकल छोटा वाला कसाएगा। उसके ऊपर अभी कवर लगा हुआ है, उसको हटा लेना होगा। और ये इसके जगह पर जो ये आप पंप सेट देख रहे हैं ये पेट्रोल से चलने वाला है। इसके जगह पर आप मोटर को सेम प्रोसेस के तहत आप किसी भी 2 HP या 3 HP के मोटर को आप लगा सकते हैं या 1 HP के मोटर को लगा सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से आपको सक्शन पाइप को दोनों तरफ लगा लेना है। ये पेट्रोल से चलने वाला पंप सेट है, इंजन पंप सेट। आप इसके बदले मोटर को भी लगा सकते हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा इस प्रोसेस में। ये देखिए दोस्तों, ये लगाने का जो तरीका है ये अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे एरिया में इस तरह से लगाया जाता है। जहाँ वाटर लेवल ज़्यादा डीप होता है वहाँ का कुछ और कंडीशन होता है। ये देखिए, ये छोटा वाला जो हैंड पंप है, इसके बारे में आप लोगों को जानना था कि कैसे लगता है। तो ये इसी तरह से इसके ऊपर में ये छोटा सा नेपुल लगा रहता है और उस पर यह कस दिया जाता है, और इसी के माध्यम से दोस्तों ये पहले पानी पकड़ाया जाता है, जो आप लोग कमेंट करके पूछते थे और जब मैं बताता था तो आप समझ नहीं पाते थे। तो इसमें पहले ये जो सक्शन पाइप लगा है इसको पहले लीक ना करे, उसके लिए पहले इसमें हल्का हल्का मिट्टी को आटे की तरह सान करके उसमें लगा करके, और जो साइकिल का ट्यूब होता है, टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, उसको बीच से काट करके लंबा लंबा पट्टी जैसा बना लिया जाता है, उसी से उसको बांधा जाता है, जो अभी मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन लेना है तो। और मेरा ये दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद मोटर पंप सेट या कोई भी इंजन पंप सेट आपको बोरिंग में कैसे बांधा जाए और उसमें चापाकल कैसे बांधा जाए ताकि लीक ना करे, इसके लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, जो स्टेप यहाँ किए जा रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। जहाँ भी ज्वाइंट है वहाँ वहाँ आपको इस तरह से हल्का हल्का आटे के जैसा मिट्टी को सान करके लगा देना है, और उसके ऊपर ये ट्यूब से बांधना होगा, जो अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और जिस तरीका से इसमें बांधने का दिखाया गया है ट्यूब से, उसी तरह से एकदम टाइटली आपको बांधना है। ये देखिए आपको ये जिस तरीका से ये बांधा जा रहा है, फुल टाइट एकदम लपेट करके उस तरह से आपको बांधना है, और इसमें थोड़ी सी भी ये ढीला ना रहे इसका ध्यान देना है। अगर ये ढीला रहेगा तो पानी लीक करेगा, आपका मोटर या पंप सेट जो भी है वो पानी पकड़ेगा नहीं, या पानी कम देगा अगर पकड़ भी लेगा तो, इसीलिए इसका लीक नहीं होना चाहिए। और ये जो चापाकल बांधा गया है उसको भी इस तरह से अच्छे से बांध दिया जाता है कि वो लीक ना हो, क्योंकि दोस्तों ये लोहा का पाइप नीचे भी रहता है, लोहा का चापाकल भी रहता है। तो नॉर्मली जब हम अगर परमानेंट कनेक्शन करते हैं तो उसमें टेफ्लॉन टेप वगैरह लगा करके और सीलेंट वगैरह लगा करके परमानेंट अच्छे से सील करके तब उसको कसते हैं, लेकिन ये तो
परमानेंट होता नहीं है, इसे जब हमें पानी पटाना होता है तो हम लगाते हैं और फिर खोल के ले आते हैं, तो इसलिए इसमें ये ट्यूब से लपेट करके इसको सील करना पड़ता है ताकि एयर पैक रहे, नहीं तो पानी ये पकड़ेगा ही नहीं, और अगर पकड़ भी लिया तो पानी बहुत कम देगा मोटर। और ये जो प्रक्रिया है ये आप उधर मोटर लगाए या इंजन पंप सेट लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बोरिंग में कनेक्शन का ये प्रक्रिया सेम होता है। और ये मैं बिहार का स्थिति बता रहा हूँ, जहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे है वहाँ दूसरे तरीका से अगर बोरिंग से कनेक्ट किया जाता होगा तो उसके बारे में आप अलग से जानकारी कर लें। ये मैदानी क्षेत्र में जो बिहार का क्षेत्र है उसमें इस तरह से किया जाता है, यूपी के कुछ क्षेत्र जो है वहाँ भी ऐसा ही किया जाता है, बहुत जगह कुआं से पानी लिया जाता है तो वहाँ ये प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता है, वहाँ डायरेक्ट नीचे कुआं में सक्शन पाइप गिरा दिया जाता है फुटबॉल लगा करके, तो वो पानी पकड़ लेता है, उसमें ऊपर से पानी पंप में डालना पड़ता है उसके बाद मोटर पानी पकड़ता है। ये देखिए इस तरह से सक्शन पाइप में मिट्टी हल्का लगा करके, जो उसका मुहाने पर मिट्टी लगाने के बाद इस तरह से ट्यूब लपेटना है और उसको अच्छे से लॉक करना है। अगर आप ट्यूब लपेट भी देते हैं, साइकिल का ये टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसको बीच से आधा से काट देने पर ये बेल्ट जैसा बन जाता है और उसको आप उसमें लपेट दें। अगर आप इसको ढीला लपेटिएगा तो भी कोई ये काम नहीं करेगा, इसको बिल्कुल टाइट लपेटना है और अच्छे से बांध देना है ताकि वो टाइट रहे। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं और जैसा भी वीडियो जिस टॉपिक पर आपको चाहिए मैं बना के ज़रूर दूंगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पेट्रोल से चलने वाला इंजन है और 2 HP का मोटर नॉर्मली खेतों में यूज़ किया जाता है, तो आप सेम प्रोसेस 2 HP का मोटर हो या 1 HP का मोटर हो या 3 HP का हो, आप आराम से इसी प्रोसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, ये पंप सेट का सक्शन पाइप है 3 इंच का, और ये देखिए इस तरह से ये पूरा अच्छे से सील पैक हो गया है। अब चापाकल में अब पानी डाल दिया जाएगा, ये टेम्प्रोरी चापाकल होता है, सिर्फ इसी बोरिंग में पानी पकड़ाने के लिए ही ये चापाकल मिलता है। और ये देखिए पंप में पहले पानी डाल दिया जाता है, अगर आप सूखा पंप स्टार्ट कर देंगे तो वाटर सील कट जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखें कि पंप में बिना पानी डाले इंजन स्टार्ट नहीं करें या मोटर स्टार्ट नहीं करें, नहीं तो वाटर सील कट जाता है, जल जाता है। ये देखिए पंप तो फुल हो गया है, अब इसके आगे अब चापाकल में पानी डाल करके पानी पकड़ाने का प्रक्रिया चालू किया जाएगा। तो यही है दोस्तों छोटा सा चापाकल, और नीचे जो बोरिंग है उसमें ये चापाकल के माध्यम से पहले पानी ऊपर लाया जाता है पंप तक, जो बगल में इंजन पंप है, उसके बाद तब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो पानी वो लगातार देने लगता है। तो इस तरीका से दोस्तों कुछ देर चलाने के बाद पानी ये पंप उठा लेता है, पकड़ लेता है, और अगर दोस्तों बीच में तेल समाप्त हो जाए या इंजन बंद हो जाए किसी कारणवश तो पानी भागता नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्फ प्राइमिंग पंप होता है इसमें चेक बल्ब लगा होता है। ये देखिए पानी पकड़ लिया है, अब हम इंजन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इंजन स्टार्ट हो चुका है और ये पानी दे रहा है, ये देखिए। तो इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कहीं भी कोई लीकेज नहीं रहेगा, अगर लीकेज रहेगा दोस्तों तो वो ये पानी कम देगा।
ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीका से फीता लगा करके, जो लपेटा पाइप बोला जाता है उसको लगा करके मैंने अपने खेत में ले गया है पानी। और ये इंजन चल रहा है, मैं इसके साउंड को कम कर दिया हूँ। ये देखिए इंजन चल रहा है, ये फीता में पानी भरा हुआ है और इसी प्रक्रिया से ये आपको, ये देखिए ये पूरा फीता कहाँ दूर तक गया हुआ है खेत में, और ये चापाकल जो है इसी तरह लगा हुआ है। तो आपको यही एक एक स्टेप फॉलो करना है जो मैंने वीडियो में दिखाया है। और किसी भी तरह का अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों के द्वारा बहुत लंबे समय से इस वीडियो का डिमांड किया जा रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो को अभी बनाया है। तो मेरे पास अभी ये इंजन था इसलिए मैंने इसको कनेक्ट किया है, आप इसके बदले मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।